अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिन्यामीन फ्रॉम फ्रंट ग्रेड एंटरप्राइजेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दोबारा प्लैनेट होम के एस्प्रेसो के लेके आए हैं जी मशीन्स। इस दफ़ा जो हम लेके आए हैं डिफरेंट मॉडल लेके आए हैं कॉफ़ी मशीन्स का। तो एक मैंने दो दिन पहले वीडियो चढ़ाई थी, उसमें जो कॉफ़ी मशीन का जो मॉडल था वो डिफरेंट था और बट ब्रांड एक ही है। ये मैं आपको बताना चाहूँ जिन लोगों को नहीं पता, ये प्लैनेट ब्रांड है जी, यूके का ब्रांड है बट ये कोरिया से कंटेनर आया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल इसकी पहले बताता हूँ आपको, फिर देखते हैं आगे। थोड़ी सी इसकी डिटेल में अगर जाए तो बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं आप पे ग्रोइंग यूके जॉब प्लैनेट प्रोडक्ट सिंस 2006 है ये। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आप देखें तो 15 बार इसका प्रेशर है और मशीन की अगर आपको दिखाऊं एक्सप्रेसो इसकी बहुत खूबसूरत है। बाकी डिटेल बॉक्स ओपन करने के बाद आपको बताऊंगा। इस तरफ अगर देखें तो आप ये देख सकते हैं कंपनी ने वैसे तो चार कलर्स दिए हैं बट हमारे पास वो यूजुअल ब्लैक कलर होंगे इसमें अवेलेबल होंगे। थोड़े से पीसीज ही हैं, ज़्यादा पीस नहीं है, बहुत ही लिमिटेड सा स्टॉक है ये। चलें आप एक अनबॉक्स करते हैं, साथ साथ मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी। अच्छा जी, बॉक्स ओपन करते हैं, मैं आपको ये दिखाता चलूँ। सबसे पहले जो बॉक्स ओपन करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमारे पास निकलेगी थी इसका एक यूजर मैनुअल है हमारे पास निकला है। इसके बाद दूसरी चीज़ निकाल के आपको फिर दिखाता हूँ आगे। दूसरी चीज़ जो बॉक्स के अंदर से निकली है तड़ा, ये है जी हमारी मेन मशीन। अभी ओपन करूँगा आपके सामने इसको। एसेसरीज में हमारे पास एक ये देखिए निकला है कॉफ़ी पुशर निकला है, एक तरफ स्टिक है, आपकी दो स्टे इसकी जालियाँ निकली हैं, एक ये इसका हैंडल है, बड़ी छोटी जाली दोनों साथ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अभी आप देख रहे हैं इसको ये पैक हुई हुई है मशीन, बट इसको हम ज़रा ओपन करते हैं फिर इसकी थोड़ी सी मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल ब्रांड न्यू मशीन, पैकिंग फट गई है बाहर। एनीवेज ये जी हमारी मशीन की आउटर लुक आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म की मशीन है ये। अगर इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूँ, अगर हम बात करें सबसे पहली चीज़ इसकी प्लास्टिक क्वालिटी के ऊपर, तो प्लास्टिक क्वालिटी भी इसका बहुत ही फाइन फिनिश के अंदर बना हुआ है, और फाइन फिनिश और बहुत ही ग्लॉसी किस्म का है, बट मटेरियल बहुत अच्छा है, नॉट बैड, बुरा मटेरियल नहीं है ये। और अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, इसमें यहाँ पर आते चलें नीचे, इन्होंने उसी तरह एक एनालॉग इन्होंने गेज दी हुई है, प्रेशर गेज है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चलेगी आपकी गेज उसी तरह। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये पावर बटन है, ये एक्सप्रेसो का बटन है, ये स्टीमर का है और ये स्टीमर का प्लस माइनस है। ठीक है, इस तरफ आप रोटेट करके, और आपको इस सब मशीन का मैंने मॉडल नंबर तो बताया नहीं है, मॉडल नंबर है इस मशीन का PCM F12W, इसका वो दूसरी वाली का सॉरी मॉडल था, और जो इस वाली का मॉडल है वो है 15 समथिंग इसका मॉडल है। वो मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ इधर से, ये इसकी बुकलेट है। हाँ जी, PCM F15W इसका मॉडल है, बाकी चीज़ें उसी तरह सिमिलर है जिस तरह सारी कॉफ़ी मशीन वर्क करती हैं। इसकी बहुत डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ से इसकी पावर जस्ट ऑन करें, उसके बाद ये प्रेशर बनाएगी, जब प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, लाइट आपकी ये वाली ऑन होगी तो आपकी एक्सप्रेसो शॉट यहाँ से एक्सप्रेसो निकलेगी। ठीक है, या अगर आपने स्टीमर चलाया तो साथ आप स्टीमर का बटन ये दबा देंगे, फिर वेट करेंगे, फिर ये लाइट ऑन होगी तो आपका स्टीमर ये काम करेगा। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ये, हम अगर टेप खोलते हैं तो ये इन्होंने दी हुई है बड़ी अच्छी फाइन फिनिश जाली है। ये भी जो ट्रे है रिमूवेबल ट्रे है, वॉशेबल ट्रे, इसको आप वॉश कर सकते हैं, और इस ट्रे को हम वापस फिट करते हैं। और इसके बाद जो अगली चीज़ मैं आपको इसका बैक टैंक दिखाती हूँ एक दफ़ा, बैक टैंक की क्या क्वालिटी है, बैक टैंक का साइज क्या है। अच्छा जी, साइज़ वाइज अगर बात करते हैं बैक टैंक की, ये 1.5 लीटर तकरीबन इसका टैंक है। अब ये इसकी अपर लिड है, पूरी नहीं ओपन होती, इस तरह ओपन होती है, ये आप देख सकते हैं। ये चीज़ है, बहुत खूबसूरत मशीन है, मज़ेदार चीज़ है, जिस किसी को भी चाहिए हो तो बहुत ही थोड़े से पीसेज अवेलेबल हैं अभी हमारे पास। ये थी जी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, आगे फर्दर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।